हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे हैं? बहुत अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले। देखते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा नया स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ नया तरीका है, तो आगे देखेंगे कैसे होता है। चलिए, तो ये पहला चैप्टर है, ये एक्चुअल में फिजिक्स के बारे में है कि फिजिक्स किस लिए बनाई गई, फिजिक्स जो है क्यों यूज़ होती है, फिजिक्स जो है कहाँ पर यूज़ होती है, और फिजिक्स की कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है बेटा, तो चलिए फिजिक्स से पहले फिजिक्स जिस चीज़ का पार्ट है उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स जो पार्ट है वो है साइंस का। फिजिक्स किसका पार्ट है? साइंस का। ठीक है ना, फिजिक्स जो है साइंस का पार्ट है। तो साइंस का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। तो साइंस का मतलब है द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नो। यानी जो साइंस है वो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है साइंटिया, वहाँ से निकला है, जिसका कि मतलब क्या होता है? टू नो। क्या मतलब होता है? टू नो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जो साइंस है, साइंस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करने के लिए उसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, कितने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कितने ऑर्गेनाइज वे और सिस्टमेटिकली वो नॉलेज हमने गेन की है, तब हम कहते हैं कि वो हमारी जो पूरी नॉलेज है वो साइंटिफिक है। ठीक है ना, इसको हम साइंस कहते हैं। यानी कि द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट वैन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। ठीक बेटा, तो चलिए, तो दो तरीके से साइंस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल साइंस जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एक है बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, जो फिजिकल साइंस है उसके पार्ट हो जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्पेलिंग का लेते हैं यहाँ पर बेटा, जोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ है जो किससे डील करती है नॉलेज, किस नॉलेज को हमें गेन करना है, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी नॉलेज को गेन करने के लिए फिजिकल साइंस होती है। और फिजिकल साइंस के पार्ट हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी एंड ई चीज। ठीक है, वहीं पर जो बायोलॉजिकल साइंस होती है वो बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, वो सेल से लेके डायनासोर तक हर किसी की स्टडी, जिस वो लिविंग थिंग्स होंगे, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारी की सारी स्टडी किस में होगी? बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजिकल साइंस के जो एग्जाम्पल है बॉटनी, जूलॉजी, ये तो आपने सुना ही है ना, आपने 10th क्लास में सुने हैं ये बॉटनी एंड जूलॉजी क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, एंथ्रोपोलॉजी भी होता है, फॉरेंसिक है, ऐसा वर्ड है जो आपने आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइंस के बारे में, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक। तो अब साइंस से मतलब क्या है, साइंस किस तरीके से काम करता है, साइंटिफिकली किसी चीज़ की नॉलेज और नॉलेज अगर हमें गेन करनी है तो हमें क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेना होता है। मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल लूँ कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में जो टेस्टिंग हो रही है, ठीक है ना, वो टेस्टिंग जो है लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे किया जाएगा। ठीक है, फिर उनसे जो हमने टेस्टिंग कर लेंगे, वैक्सीन जो आएगी उसकी जो टेस्टिंग करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पर, फिर वो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की स्टडी की जाएगी। ठीक है ना, रिजल्ट की क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, और उस जो हमें वैक्सीन दी है उससे किस तरीके से पेशेंट ठीक हो रहा है उसका लॉजिकल बिहेवियर किया जाएगा, देखा जाएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी कितनी अच्छे तरीके से हमारा पेशेंट जो है, जो उसमें जितने भी सिम्टम थे वो सारे सिम्टम गए या नहीं गए हैं, और किस क्वांटिटी में वो गए। ठीक है, इसके साथ उसके साथ फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब हो गया कि अगर हमें वो वैक्सीन यूज़ करनी भी है तो उसके क्या स्टेप रहेंगे। ठीक है ना, किस प्रोपोर्शन में वो हमें वैक्सीन देनी होगी। ठीक है, किस प्रोपोर्शन में हमें वैक्सीन देनी होगी, तो फिर हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं, है ना। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जो फॉर्मूला जो होता है वो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है।
ठीक है। उसके बाद होता है थियोरेटिकल प्रेडिक्शन, ये भी बहुत जरूरी पार्ट है, हालांकि इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी थ्योरी आती है तो उसको जो है थियोरेटिकल प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, आइंस्टीन का एग्जाम्पल लूँ, तो आइंस्टीन आज तक लैब में नहीं गया है ना, आइंस्टीन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन आज तक कभी लैब में नहीं गए, वो केवल थ्योरी ही देते थे। जो E=mc² है, द ग्रेटेस्ट इक्वेशन ऑफ द सेंचुरी, वो भी केवल जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उनका थियोरेटिकल प्रेडिक्शन था। क्या था? थियोरेटिकल प्रेडिक्शन था। तो जो भी अभी हमने कोरोना की बात करें तो कोरोना का एक थियोरेटिकल प्रेडिक्शन भी होगा कि जो वैक्सीन दी जाएगी कोरोना के लिए कि वो जो है किस तरीके से काम करेगी, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा। फाल्सिफिकेशन बिल्कुल उसके अपोजिट में और भी चीज़ें निकाली जाएंगी कि जिससे कि कोई भी उसमें कमी रह ना जाए, ठीक है। तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, फाल्सिफिकेशन किया जाएगा पूरे मॉडल को। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। क्या है? साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या कहता है। सबसे पहले क्या होता है, हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा भी कैसा? लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन वाला डेटा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी जिस लॉ के बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं या जिस चीज़ की हम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं उसके बारे में। तो अभी तो मैं कोरोना के बारे में बात करूँगा। तो आइडेंटिफाई पैटर्न करना पड़ता है कि जितने भी हमने पेशेंट लिए हैं उसमें किस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं। सारे सब में सिम्टम एक जैसे आ रहे हैं तो वो हम देख लेते हैं कि ये हमारा पैटर्न हो गया कि सब में सबको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, गले में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, तो एक पैटर्न हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमने जितने भी पेशेंट थे उन सबको कलेक्ट किया, उसके बाद उन्हें एक पैटर्न देगा, फिर सजेस्टिंग हाइपोथेसिस, एक अपने हिसाब से एक थ्योरी बनाई हाइपोथेसिस कि ये क्यों हो सकता है, ये रीज़न क्या है इस चीज़ के जो है जो ये सारे पैटर्न किसी में देखने को मिले। जैसे कि आपने बहुत सारी थ्योरी इसमें पढ़ी होंगी कि कोरोना जो है बैट से निकला है, कोरोना जो है आपके चाइना की लैब से निकला है, ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस थ्योरी आती है, ठीक है। तो उसका एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन होता है। थ्योरेटिकल अब कोरोना के केस में थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन क्या होगा कि हमारी वो लंग्स को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, लंग्स में पहुंच रहा है तो किस तरीके से किसी भी आदमी को जो है दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन वगैरह करने के बाद फिर उसका वेरिफिकेशन होता है कि जो भी थ्योरी दी गई है वो सही है या नहीं है, है ना। अगर वो गलत होती है तो दोबारा से और एक्सपेरिमेंटल डाटा लिए जाते हैं, फिर ये इसी तरीके से चलता रहता है जब तक वो वेरीफाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड दोबारा से अगर हम देखें, सबसे पहले हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनमें क्या लॉजिकल बिहेवियर वो फॉलो कर रहे हैं उसको देखा जाता है, और किस बेसिस पर? क्वालिटेटिव, यानी कि वो जो हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया गया हो जिससे कि उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर फिजिक्स में बात करें तो हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो मैथमेटिकल मॉडलिंग में आता है, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट, जो चीज़ हम उसमें देख नहीं पाए हैं, ठीक है ना, जो चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं उसके बारे में क्या बनाते हैं हम थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। जिस तरीके से हम ये नहीं देख सकते ना कि यूनिवर्स की शुरुआत किस तरीके से हुई, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बता दिया कि बिग बैंग के थ्रू जो है यूनिवर्स की थ्रू शुरुआत हुई है, E=mc², उन्होंने इक्वेशन दी थी, ठीक है बेटा। उसके बाद वेरीफाई किया है, अब वेरीफाई किया है तो ठीक है, हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ठीक है, अगर गलत हो जाता है तो वापस हम फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइंटिफिक मेथड हमको फॉलो करना पड़ता है, तभी कुछ साइंटिफिकली चीज़ें प्रूव हो पाती है, ठीक है बेटा। चलिए अब साइंस क्या है ना, साइंस इज एवर डायनेमिक, साइंस जो है कभी रुकती नहीं है। साइंस पर जो लॉ आ भी चुके हैं ना वो भी नहीं रुकते, वो भी उन पर भी रिसर्च होती रहती है। हम कभी ये नहीं कह सकते किसी भी लॉ के बारे में कि वो फाइनल थ्योरी हो गई। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की ही बात करूँ तो E=mc² को आज ही हम ये नहीं कह सकते वो फाइनल हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो साइंस में क्या है, कोई भी लॉ आ जाए
वो क्या है, हम ये नहीं कह सकते वो जो लॉ है, वो जो थ्योरी है, वो फाइनल थ्योरी हो गया, अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नो अनकॉन्स्टेंट अथॉरिटी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी कोई क्वेश्चन नहीं, आपकी किसी थ्योरी पे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। कोई ना कोई साइंटिस्ट होगा, वो जरूर उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकता है, उसका पूरा राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो बुक है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो वो जो सब्जेक्ट है जो पढ़ेंगे, जिसको कि मैं पढ़ाऊंगा, वो है फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, देखते हैं फिजिक्स क्या है। जो फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। किससे निकल कर आया है? ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। और कौन सा ग्रीक वर्ड था? फ्यूसिस। क्या था? फ्यूसिस था ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका कि मतलब होता है नेचर। कहने का मतलब है फिजिक्स जो वर्ड है तो वो निकल कर आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, जिसका कि मतलब नेचर हो रहा। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज ड्यूरिंग स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्योंकि फिजिक्स का मतलब नेचर ही होता है। क्या होता है? फिजिक्स का मतलब नेचर होता है। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करता है, उस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं उसको? फिजिक्स कहते हैं ना। फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस। फिजिक्स क्या है? सबकी जो सबसे बड़ी बेसिक चीज़ है वो फिजिक्स है, साइंस की। कैसे कैसे इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं? तो मैं जो अब आपको चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। जो कोई भी अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो वो जो चीज़ है वो दो ही फॉर्म में हो सकती है। या तो वो एनर्जी की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में? या तो वो एनर्जी की फॉर्म में होगी या वो मैटर की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो वो एनर्जी की फॉर्म में होगी या वो मैटर की फॉर्म में होगी। तो एनर्जी के बारे में भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो फिजिक्स जो है मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस हो गई, ठीक है बेटा। चलिए अब फिजिक्स के जो है, फिजिक्स किन चीज़ों को सोचकर काम करता है, ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट है और फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट के बारे में बात करूँगा मैं, तो कि जो फिजिसिस्ट है वो दो चीज़ों के बारे में सोचता है। एक है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म, ठीक है। क्या क्या होता है? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ठीक है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा रूल, कोई ऐसी थ्योरी देनी होती है जो बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई हो सके। क्या? यूनिफिकेशन का मतलब साइंटिस्ट खास तौर पर ऐसा काम करते हैं, कोई लॉ देते हैं तो वो जो एक लॉ है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ग्रेविटेशनल लॉ की बात करूं तो ग्रेविटेशनल लॉ जो है आपके और अर्थ के बीच में भी काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल लॉ दो प्लैनेट्स के बीच में भी काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल लॉ जो है दो गैलेक्सी के बीच में भी काम कर रहा है। और ग्रेविटेशन लॉ जो है वो दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी काम कर रहा है। तो क्या होगा? ये यूनिफिकेशन हो गया कि ग्रेविटेशन लॉ एक ऐसा लॉ हो गया वो दो ऑब्जेक्ट, जो भी दो ऑब्जेक्ट जिनके भी बीच में मास है, चाहे कम से कम मास हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा मास हो, ठीक है, लेकिन अगर उनमें मास है तो वो जो है ग्रेविटेशन लॉ को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। तो इस तरीके के हमें लॉ बनाने होते हैं जो कि यूनिफिकेशन हो गया, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पर, बहुत ज़्यादा फिजिकल फिनोमेना पर वो एक ही लॉ काम कर जाए। अब रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म क्या है कि अगर हम किसी बहुत बड़ी चीज़ की नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ सन, अगर हमें सन के बारे में पता करना है तो हम सन पर जा नहीं सकते। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है साइंटिस्ट ने जो कि सन पर जा सके। सन के क्लोज तो जा पाएंगे लेकिन सन के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएगा, वो वहाँ पर बर्न हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सन जिस चीज़ से बना है वो छोटे पार्टिकल जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, तो उस चीज़ की अगर हम नॉलेज कर लें तो हम सन के बारे में भी जान सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म क्या है? एक छोटी सी चीज़ के बारे में नॉलेज करें, कोई बड़ी चीज़ जिससे बनी है उसकी एक छोटी सी चीज़ के बारे में अगर हम नॉलेज गेन कर लें तो उस बड़ी चीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। तो आज हमें सन का टेम्परेचर पता है, सन के बारे में बहुत कुछ पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमें ये पता है कि सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है।
और हाइड्रोजन और हीलियम की हमने प्रॉपर्टी पता कर ली है, जिससे कि हम सन के बारे में भी पता कर पा रहे हैं। एक और चीज़ अगर हम देखें कि हमें सन का टेम्परेचर जो है पता है यहाँ पर बैठ के, तो सन का टेम्परेचर हमने कहीं थर्मामीटर से जाके थोड़ी मेजर किया है, तो सन का टेम्परेचर कैसे पता चला हमें? तो एक और थ्योरी है जिसको कि हम काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी में क्या होता है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की स्पीड पता है तो हम जो है उसका टेम्परेचर भी बता सकते हैं। क्या काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स की स्पीड पता है तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सन का टेम्परेचर पता किया। तो क्या हो गया कि फिजिक्स जो है दो चीज़ों को इंक्लूड करती है, एक यूनिफिकेशन या कि एक ऐसा लॉ बने जो बहुत सारे जो चीज़ों पर काम करे, दूसरा रिडक्शनिज्म कि अगर हमें किसी बड़ी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो उसके छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में नॉलेज गेन कर लें तो हम उस बड़ी चीज़ के बारे में भी जो है बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देखें, तो कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स के क्या स्कोप और एक्साइटमेंट है। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है? तो जो फिजिक्स के जो इंटरेस्ट डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट है वो दो है, एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है, एक माइक्रोस्कोपिक होती है। मैक्रोस्कोपिक जो फिनोमेना उन फिनोमेना वो नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट जिनका साइज फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज को गेन करने के लिए स्टडी ऑफ फिनोमेना, ठीक है, उनके बारे में पता करने के लिए फिजिक्स की कौन सी ब्रांच यूज होती है, मैक्रोस्कोपिक। जबकि ऐसे चीज़ें जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि मॉलिक्यूल है, एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है या अदर एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उनके बारे में अगर हमें नॉलेज गेन करनी है तो हम कहेंगे उसको हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में उसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो मैक्रोस्कोपिक जो है जिसमें कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका कि साइज फाइनाइट है, चाहे वो अर्थ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई प्लैनेट क्यों ना हो, चाहे वो कोई सन क्यों ना हो, तो वो फिजिक्स के उस पार्ट को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स मोस्टली जो है 1900 से पहले जो है के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में चार पार्ट हो जाते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में ये चार पार्ट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोवेव अगेन जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में अगर हमें नॉलेज लेनी है, जैसे मॉलिक्यूल, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब की नॉलेज अगर हमें लेनी है तो वो जो नॉलेज है, ठीक है ना, वो किस में आती है? मॉडर्न फिजिक्स में। किस में आती है? मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, यानी कि इतने जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इन छोटे पार्टिकल की नॉलेज हम जो है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में नहीं ले सकते, क्लासिकल फिजिक्स में इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कशन है। और मॉडर्न फिजिक्स में भी इसमें कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है? क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी में जो तो क्या कह सकते हैं, फिजिक्स जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में भी स्टडी कर रही है, फिजिक्स जो है टेरेस्ट्रियल यानी बहुत जो है प्लैनेट, सन, स्टार्स, उनके बारे में भी स्टडी। तो इसका जो स्कोप है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। यानी अगर मैं बात करूँ 10^-14 मीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साइज से भी छोटे साइज, ठीक है ना, के बारे में भी स्टडी कहाँ की जाती है? फिजिक्स में की जाती है। और 10^26 मीटर यानी पूरे यूनिवर्स का साइज, ठीक है, आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन से छोटे भी कोई पार्टिकल हैं तो उनकी स्टडी फिजिक्स में, और पूरे यूनिवर्स की जो स्टडी है वो भी फिजिक्स में। तो हम कह सकते हैं जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया स्कोप। एक्साइटमेंट क्या है? जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी की सारी फिजिक्स से रिलेटेड आ रही हैं, चाहे वो मेडिकल में क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में क्यों ना हो, किसी भी चीज़ में। आज हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसलिए फिजिक्स में काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी रिसर्च होती हैं, वो जो हम अपने चारों ओर देखते हैं वो मोस्टली कहाँ से आती है? फिजिक्स में आती है मेनली, लेकिन किससे? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक ये आपको देख लेना है कि ये जो मैंने कुछ साइंटिस्ट और कुछ थ्योरीज हैं
उनके बारे में जो है बताना दिखाया है, ठीक है, जैसे कि स्टीम इंजन में कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ हुआ, रॉकेट में कौन सा यूज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऐसी अलग अलग जो है टर्मोलॉजी है जिसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये उसकी पूरी लिस्ट है, ठीक है। जैसे लेज़र लाइट से आप बहुत खेलते हो तो उसमें लाइट एम्पलीफिकेशन यूज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर में डिजिटल लॉजिक्स यूज़ होते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट हैं आपके सामने जिन्होंने क्या क्या रिसर्च की है उसके बारे में। तो आर्किमिडीज ने इन्हें प्रिंसिपल ऑफ बायंसी दी थी, ठीक है ना। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, तो है। और इसमें अगर हम देखें जे सी बोस, ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इन्हें अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताया था, ठीक है। सी वी रमन है, इन्होंने इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया था, ठीक है। एसन बोस हैं, ये भी इंडिया के, इन्होंने क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। और देखो ये एल्बर्ट आइंस्टीन है, ये जर्मनी के थे, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसलिए मैंने इसमें ये लिख दिया है, इसको पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फंडामेंटल फोर्स और इन नेचर, कि हमारे जो नेचर में कौन कौन से फोर्स जो है अवेलेबल है, क्या हमारे नेचर में कौन कौन से फोर्स जो है अवेलेबल है। तो हमारे नेचर में केवल फोर टाइप्स के फोर्स अवेलेबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन कौन से फोर्स अवेलेबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओनली दीज फोर टाइप्स ऑफ फोर्स आर अवेलेबल इन आवर नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जो है क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी दो बॉडीज हैं जिनके जिनमें मास होता है उनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है, कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट दो पार्ट में हो गया, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में यानी रेस्ट में है चार्ज, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? जो चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, तब वो दूसरे चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। अगर हम दूसरे तरीके से ये बोल भी सकते हैं कि जो दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और मज़ेदार बात ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? कि जो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है फोर्स लगाने की वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहलाती है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। सेम चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब वही चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ पर लगता है। बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है, ठीक है, कि फोर्सेस बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, जो भी दो कांटेक्ट में सरफेस होती है उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपने बहुत देखा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से लगता है। और टेंशन होती है जो स्ट्रिंग में, वो भी किसकी वजह से लगता है? जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या क्यों हो गया बेटा? जो दो सरफेस में सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। सेम उसी तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसी तरीके से टेंशन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर फीचर्स के बारे में बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, तो वो क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। लाइक चार्ज अगर होंगे तो ये रिपल्सिव होगा और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। द
फोर्स आर कवर्ड बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। ये जो है फोर्स है वो जो है किससे स्टडी की जाती है, इनकी मेजर किए जाते हैं, वो कूलम्स लॉ से मेजर किए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो अगर दो सेम पार्टिकल हैं, जिनका के दो सेम चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10^36 टाइम्स कम होगा, या हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10^36 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़्यादा मतलब बहुत बड़े डिस्टेंस पर अगर और चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में नहीं लग पाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बीच में कहीं डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के पर ही ये जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो पाता है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जिस फोर्स के अंडर में जो वर्क डन है फॉर ए क्लोज्ड पाथ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। बाकी आगे इस पूरे फिजिक्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दूसरा नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया दो अगर चार्ज हैं तो उनका जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दो चार्ज के लाइन जॉइनिंग पर ही होगी, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर हम ये कहें एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो इनके बीच में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये इन दोनों को अगर हमने जो लाइन ज्वाइन कर दी है इन्हीं की डायरेक्शन में होगी। अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करने वाली होगी जो कि इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर अनलाइक चार्ज हुए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैं यही बात समझ, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, जो कि दो ऑब्जेक्ट की ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिस वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है वो जो होता है वो फोटोन की वजह से करता है। किसकी वजह से करता है, फोटोन की वजह से। बाकी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे फोटोन क्या होता है, आगे चैप्टर में हम इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन फोटोन क्या होता है वैसे अगर देखें थोड़ा सा, तो फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है और इसका रेस्ट मास भी जीरो होता है। रेस्ट मास का मतलब है जब ये मोशन में नहीं होता फोटोन तो इसका मास जो है क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखें। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। किस किस के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है बेटा। हाँ वो भी, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। यानी न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, यही बात समझ में। और मेनली क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में लगता है। यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। यानी तीन तरीके से लगता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इनके बीच में जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में अगर बात करें इसके, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। अभी तक जितने अवेलेबल फोर्सेज हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को पता है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, ये न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जैसे कि अभी पहले बताया मैंने, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है करीब करीब 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 10^2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और 10^13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स, जैसे कि बताया कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है और न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, यानी कि ये बहुत कम रेंज में जब एलिमेंट्री पार्टिकल आते हैं तब न्यूक्लियर फोर्स जो है एक्ट करना शुरू कर देता है। और इसी न्यूक्लियर के
फोर्स की वजह से ही तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रह पाते हैं, यानी कि इनके प्रोटॉन प्रोटॉन है दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन जो इनके पास आने की वजह से एक फोर्स और जो काम करने लग जाता है न्यूक्लियस पर, वो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता है। वही न्यूक्लियर फोर्स जो है दो प्रोटॉन प्रोटॉन को, दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आपस में बाइंड करके रखता है। ठीक है बेटा, तो ये बहुत छोटी सी रेंज में होता है, बहुत छोटी रेंज, 10^-14 मीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर की रेंज में जो है ये फोर्स लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका, वो अभी तक जितना देखा है एक बीटा डिके होता है रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी अगर आपने देखा होगा तो बीटा डिके होता है, बीटा डिके के टाइम जो है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स देखा गया है। अगर मैं बात करूँ जो जब बीटा डिके होता है ना, तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, है ना, इनमें कन्वर्ट होता है, तो उस समय ये फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बीटा डिके इसके बारे में जो है आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना ही इसके लिए काफ़ी है। अब ये आज का लास्ट है इस चैप्टर के बारे में कि हमारे पास नेचर में कौन कौन से लॉ है फिजिक्स के। मेन जो है तो बहुत सारे लॉ, लेकिन ये जो है चार मेन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वो सेम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेम है लीनियर मोमेंटम की तरह ही एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जो बॉडी रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, उन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या है कि चार्ज भी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो टोटल चार्ज हमेशा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये इस चैप्टर में था बेटा, इस चैप्टर में इतना ही है जो है इंट्रोडक्शन में कि फिजिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एक या दो बार आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स जो है गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड से भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके बेटा, तो चलो सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें।